हाय गाइस, वेलकम बैक टू प्रीतीज वर्ल्ड। आज मैं आपको मंचूरियन पाव की रेसिपी बताऊंगी और ये डिश ना मैंने अपने कॉलेज डेज में बहुत बार खाई हुई है। तो हमारे कॉलेज के पास माटुंगा में प्रीतम फूड कॉर्नर करके एक बहुत ही फेमस फूड जॉइंट है जहाँ पे ये मिलता है। और अभी मतलब ये 5-6 साल पहले की बात है, तभी ये कुछ 12-15 रुपए के आसपास मिलता था और बहुत सारा मंचूरियन डाल के ये देते थे। तो एक मंचूरियन पाव में ही ना पेट भर जाता था। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस रेसिपी को ट्राई कर लूं, और ये इतना टेस्टी बना था ना, मतलब सच्ची आप भी इस रेसिपी को ट्राई करके जरूर देखिए। तो अगर आपको पसंद आती है ये रेसिपी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए। मंचूरियन बनाने के लिए लगेगा 2 कप ग्रेटेड पत्ता गोभी, फिर इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाले, 1/2 चम्मच गरम मसाला डाले, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर ले। अब इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 2 चम्मच मैदा डालकर अच्छे से मिक्स कर ले। पत्ता गोभी में ऑलरेडी पानी होता है तो आपको इसमें एडिशनल पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब ये मिक्सचर ना अभी भी थोड़ा सा स्टिकी लग रहा है तो इसमें 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच और कॉर्नफ्लावर में डाल रही हूँ। लेकिन आप ना पहले थोड़ा सा मिक्सचर लेके इसका एक बॉल रोल करके देखे, अगर वो आसानी से रोल हो जाता है तो आपको इसमें एडिशनल मैदा और कॉर्नफ्लावर डालने की कोई जरूरत नहीं है। सो अभी ये मिक्सचर अच्छे से बाइंड हो रहा है तो एक मंचूरियन बॉल रोल करके इसे पहले तेल में डीप फ्राई करके हम चेक करेंगे कि कहीं ये टूट नहीं रहा। तेल को पहले अच्छे से गरम करके ले, फिर इसमें स्टार्टिंग में एक ही मंचूरियन बॉल डालकर चेक कीजिए। तो ये मंचूरियन बॉल अभी टूट नहीं रहा तो मैं बाकी के मिक्सचर के भी सारे बॉल्स बनाकर इसमें फ्राई कर लेती हूँ। अब गैस का फ्लेम आपको एकदम लो रखना है क्योंकि अगर आपने इसे मीडियम या हाई कर दिया तो ये मंचूरियन बॉल्स अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब थोड़ी देर बाद जब ये मंचूरियन बॉल्स हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब आप इसको निकालिए। मतलब ये पूरी तरीके से पके नहीं है, 90% पके है। फिर इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से ठंडा होने देंगे और फिर से इन्हें डीप फ्राई करेंगे ताकि ये बाहर से अच्छे से क्रिस्पी बने। जब मंचूरियन बॉल्स को ऐसा कलर आ जाएगा ना तब आप इसे निकाल दें। इसे ज्यादा भी ओवर फ्राई मत कीजिए वरना फिर इसका टेस्ट और कलर दोनों भी बिगड़ जाएगा। अब एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम करके उसमें 2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन अच्छे से फ्राई करके ले। फिर इसमें 1-2 कटी हुई हरी मिर्च डाले और इसे भी अच्छे से फ्राई कर ले। फिर इसमें 1 कटा हुआ प्याज डालकर इसे भी अच्छे से फ्राई कर ले। मैंने यहाँ पर प्याज के क्यूब्स कट किए हैं और फिर इसके जो पेटल्स होते हैं ना वो अलग कर लिए हैं। अब इसमें 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 2 चम्मच टमेटो केचप और 2 चम्मच सोया सॉस डालकर अच्छे से मिक्स कर ले। अब स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर ले। अब एक बात का ध्यान रखिए कि सॉस में सॉल्ट कंटेंट थोड़ा सा हाई होता है तो थोड़ा सा ही नमक इसमें डालिए। ग्रेवी को अच्छा थिकनेस देने के लिए 1/2 कटोरी पानी में 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालकर अच्छे से मिक्स कर ले। फिर इसमें सारे मंचूरियन बॉल्स डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर ले। तो ये मंचूरियन बॉल्स भी अब रेडी है। पाव को इस तरीके से बीच में से कट करके उस पर ये मंचूरियंस रखे, इस पर मेयोनीज डालिए। मेयोनीज को ना बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अब ये मैंने थोड़े से हक्का नूडल्स को बॉईल किया है और फिर ठंडा करके इसे डीप फ्राई किया है। सो ये इजी और टेस्टी प्रीतम फूड कॉर्नर जैसा मंचूरियन पाव सर्व करने के लिए रेडी है।